नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत टाइम्स न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ कंचन। जवाहर कला केंद्र ऑडिटोरियम जयपुर में दिनांक 23 जून 2024 रविवार को समग्र नेशनल आइकॉन अवार्ड 2024 का आयोजन हुआ। समग्र सेवा संस्थान के संस्थापक अध्यक्ष एडवोकेट दया शर्मा ने बताया कि इस सम्मान समारोह में देश के विभिन्न राज्यों से अलग अलग क्षेत्रों में उल्लेखनीय कार्य करने वाली 51 विभूतियों को सम्मानित किया गया। उन्होंने बताया कि कार्यक्रम के मुख्य अतिथि प्रहलाद राय टांग, अध्यक्ष श्रीयादे माटी कला बोर्ड, राज्य मंत्री राजस्थान सरकार, विधायक गोपाल शर्मा और विशिष्ट अतिथि स्वामी सौरभ राघवेंद्राचार्य महाराज, साध्वी पीताम्बरा दीदी, श्री 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 महर्षि संदीपानी राम महाराज, पुष्पा माई महामंडलेश्वर किन्नर अखाड़ा राजस्थान, डॉक्टर मोनिका आर करल रहे। कार्यक्रम का आरंभ अतिथियों द्वारा दीप प्रज्वलन कर किया गया। इस अवसर पर कार्यक्रम के मुख्य अतिथि प्रहलाद राय टांक ने कहा कि समग्र विकास संस्थान द्वारा किए जा रहे सामाजिक सरोकार के कार्य निश्चित ही सराहनीय है। इससे हम सबको प्रेरणा लेनी चाहिए और इन गतिविधियों में समाज के प्रत्येक नागरिकों को बढ़ चढ़कर हिस्सा लेना चाहिए। संस्थान सचिव राम यादव ने जानकारी बताया कि आयोजन में सांस्कृतिक रंगारंग कार्यक्रमों की एक से बढ़कर एक प्रस्तुतियों ने दर्शकों के दिलों पर अपनी अमिट छाप छोड़ी। तो इसमें गणेश वंदना, राजस्थानी लोक नृत्य, भांगड़ा, विभिन्न शास्त्रीय नृत्य, कालबेलिया नृत्यों की प्रस्तुतियाँ शामिल रहीं। सफल आयोजन में संस्थान प्रतिनिधि अनिल जैन, मनीष कुमावत, सीकर टीम हेड प्यारे लाल जहांगीर, संस्थान टीम सदस्य शारदा शर्मा, बबीता सैनी, मोनिका जादम, पूजा शर्मा, मंजू शेखावत, राकेश सोनी आदि का विशेष सहयोग रहा। कार्यक्रम में विभिन्न राज्यों और शहर के गणमान्य नागरिक व जनप्रतिनिधि भी उपस्थित रहे। कार्यक्रम का संचालन एंकर करण ने किया। कार्यक्रम में सीकर से पधारे हुए अतिथियों ने समग्र विकास संस्थान की संस्थापक अध्यक्ष एडवोकेट दया शर्मा का उपरणा शॉल व स्मृति चिन्ह भेंट कर सम्मानित किया। संस्थान के चित्तौड़गढ़ टीम हेड अमित कुमार चेचानी ने बताया कि समारोह में अतिथियों द्वारा विभिन्न क्षेत्रों में उल्लेखनीय योगदान देने वाली 51 विभूतियों को सम्मानित किया गया। उल्लेखनीय है कि संस्थान गत 23 वर्षों से सामाजिक सरोकार की विभिन्न गतिविधियों में सक्रिय है, जिसमें बालिका शिक्षा, नारी उत्थान और स्वास्थ्य, रक्तदान, गरीब व असहाय बच्चों व लोगों की मदद करना, पर्यावरण संरक्षण, सांस्कृतिक व साहित्यिक गतिविधियां इत्यादि हैं। इस कार्यक्रम का उद्देश्य राष्ट्रीय व प्रांतीय स्तर पर विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट कार्य करने वाली प्रतिभाओं को प्रोत्साहित व सम्मानित करना है। पेश है हमारे संवाददाता अमित कुमार चेचानी की एक खास रिपोर्ट। आपने पौधा लगा दिया लेकिन उसका संरक्षण कौन करेगा? आपका बच्चा पैदा हो गया, उसको पालोगे पोसोगे नहीं जब तक बड़ा हो जाएगा? नहीं होगा वो बड़ा, कभी बीमार होगा, कभी कुछ होगा। तो हमारी संस्था यही कार्य करती है, प्लांट्स पौधे वितरित करती है, उनसे कहती है, वहां पर हम जाके लोगों को कहते हैं कि आप अपने घरों से इसमें पानी की व्यवस्था कीजिए, यदि नहीं होता तो आप हमें बोलिए। अब तक सर्वाइवल में हमारी एनजीओ ने कम से कम 500 पौधों को सर्वाइव किया है। मतलब बहुत बड़ी बात है 500 पौधे भी सर्वाइव करवाना, जो हम निरंतर इस कार्य में लगे रहते हैं। हमारा एनजीओ का दूसरा मेन कार्य यही है। हमारी टीम जो सीकर की है, शेखावती की है, प्यारीलाल जी जिसमें हैं, अमित जी हैं, मुकेश जी हैं, हमारे साथ इतने नवयुवक जुड़े हुए हैं और ये लोग निरंतर यही कार्य करते रहते हैं। हमारा समग्र का एक ही कार्य, हमारा नाम है समग्र का, इसमें सर्वाइवल पे ध्यान देते हैं कि मेन सबसे बड़ी जरूरत क्या है आज की इस जो जरूरत है, मांग है, वो यही है कि जब तक आपके शरीर में रक्त है आप जिंदा हो। तो हम सबसे ज्यादा यही चीज करते हैं हमारे संस्थान की तरफ से और प्रेरित करते हैं हम जगह जगह इसके लिए जन जागरण करते हैं, अवेयरनेस कैंप्स लगाते हैं कि आप रक्त दीजिए, क्योंकि इसके बिना कुछ भी जरूरी नहीं है। पिछली बार हमने रक्त कैंप लगाए तो लोगों ने बोला कि मैडम आप रक्त कैंप ये लगाते रहते हैं, रक्तदान शिविर वगैरह करते रहते हैं, हमारे इतनी जरूरत पड़ रही है। तो हमने बोला आपने कभी रक्तदान किया क्या? तो उन्होंने बोला कि रक्तदान तो नहीं किया, इसकी जरूरत नहीं पड़ी। मैंने कहा आज आपको जरूरत पड़ रही है, आज आप बोल रहे हैं कि रक्त हमें चाहिए, इसके बिना हमारे हॉस्पिटल में मरीज की डेथ हो जाएगी। तो हमारा सबसे बड़ा इस समग्र की तरफ से, पूरी टीम की तरफ से, पूरे समाज की तरफ से मैं एक आह्वान करना चाहूंगी आज यहाँ पर कि सभी लोग एक मतलब स्वस्थ जो व्यक्ति होता है यदि वो रक्त करता है तो कहते हैं कि उसकी सेल्स डेवलप होती है। मैं एक साइंस की स्टूडेंट भी रही हूं और आप लोग सब जानते हैं। तो हमेशा हमेशा ध्यान रखिए कि यदि हम स्वस्थ हैं तो हमें रक्तदान करना ही करना चाहिए, ये बहुत जरूरी है आज की तारीख में। और मुकेश जी जैसे लोग जो कई सैकड़ों कैंप लगा चुके हैं, कई बार रक्तदान कर चुके हैं, तो आप इनसे प्रेरणा लीजिए। यहां ऐसे ऐसे लोगों को हम चुन के बुलाए हैं जहां वाकई में जिन लोगों ने कार्य किया है, कोई ऐसा नहीं है जो बिल्कुल जिसने जैसे आ गए कि ठीक है अपना
प्रोफाइल देखते हैं, सेलेक्ट करते हैं हमारी कमेटी, फिर यहाँ लोगों को चयनित करके यहाँ मंच पर बुलाकर उनको सम्मानित किया जाता है। तो ये विभूतियां हैं जो आज आपके बीच अवार्ड ले रही हैं, ये सम्मानीय विभूतियां हैं, तो इनके लिए तालियों में कंजूसी ना करें, तालियां भरतक बजती रहनी चाहिए। साधुवाद देता हूँ। अभी सामने बात आ रही थी समाज सेवा के लिए, तो समाज सेवा एक वृहत क्षेत्र है, बहुत बड़ा। सरकार कुछ काम करती है अपने लेवल पर, लेकिन समाज में बैठा हर व्यक्ति अपनी जिम्मेवारी समझे तो वो एक बड़ा सामाजिक बदलाव लाता है, सामाजिक कार्यों के अंदर आता है। जिस तरीके से हमारे पूजनीय गुरुदेव बैठे हैं, इन्होंने अभी बताया कि गौ माता का जो ये गौशाला चलाते हैं वो भी एक समाज की सेवा का कार्य है। और समाज सेवा, क्योंकि जब वातावरण शुद्ध होता है, जब गायों की रक्षा होती है, धर्म की रक्षा होती है, तभी हम हमारे सम्मान की रक्षा कर पाते हैं। इसी तरीके से एक अभी जो 46 बार रक्तदान कर चुके हैं, मैं आपके सामने एक बात बताऊं, फैक्ट्री के अंदर सब कुछ बनाया जा सकता है लेकिन रक्त नहीं बनाया जा सकता। अगर रक्त बनाया जा सकता होता तो दान की जरूरत ही नहीं होती, मांगने की जरूरत ही नहीं होती। तो ये कहां से आएगा, जरूरत पड़ती है, अनेकों अनेक एक्सीडेंट होते हैं, ऑपरेशन होते हैं, उन सभी में रक्त की जरूरत होती है। तो रक्त का दान आप द्वारा करना होता है, तो वो आप लगातार कीजिए। जिस तरीके से आगे का कहावत है ना, दान देने से धन नहीं घटता, तो ये भी एक पक्की बात है कि आप अपने शरीर से अगर रक्त का दान करोगे तो वो रक्त भी नहीं घटेगा, वो बढ़ेगा, आपका शरीर स्वस्थ होगा। उससे स्नेह प्यार है ना, वही एक सम्मान समाज के लिए, उसकी लड़ाई के लिए आज भी पता प्रयास करती हूँ कि समाज को मुख्य धारा से कैसे, मैं शेल्टर होम रन करती हूँ उनको लाइवलीवुड के साथ जोड़ने के लिए, और मेन मेरा उद्देश्य ये रहता है। और आज मैं 25 काउंसलर्स को एजुकेशन और लाइवलीवुड के साथ जोड़ रही हूँ, और बड़े बड़े कॉर्पोरेट सेक्टर्स में जैसे हिंदुस्तान जिंक, टाटा स्टील और अमेजन जैसी जगह पे मेरे बच्चे काम कर रहे हैं, और मैं हर बार प्रयास करती हूँ नए बच्चों को एजुकेटेड कर करके और समाज की मुख्य धारा से जोड़ने के लिए काम करें। और आज हमारे बच्चे इंजीनियर, बीटेक, फैशन डिजाइनर, ना जाने क्या क्या सारी खूबियां भरी पड़ी हैं, और हम उनको निखार करके सिर्फ उनको समाज के सामने प्रेजेंट करते हैं। यही मेरी संस्था का मेन उद्देश्य है।